गोरखपुर रेलवे जंक्शन का फुल ब्लॉग बना के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का यहाँ पे रेलवे आते हैं, कहाँ से आते हैं लोग, यहाँ पे माहौल क्या है, आखिर यहाँ का रूट क्या है, जो कि ये गोरखपुर रेलवे जंक्शन जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, मैं आपको यहाँ का प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ कि किस तरह यहाँ पे ट्रेनें आती हैं, यहाँ का ब्लॉग कैसा है। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आप भी अगर सफ़र करने के लिए सामान लेके आए हो तो आपको जो सामान बैग वगैरह है आपको सैनिटाइज़र कराना पड़ेगा। सैनिटाइज़र जो है 10 रुपये में होगा, आप यहाँ पे आसानी से करा सकते हैं। अगर आप ट्रेन की टिकट आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे अंदर आने के लिए प्लेटफार्म टिकट लेना पड़ेगा, तो आपको 30 रुपये लगेगा प्लेटफार्म टिकट लेने के लिए, नहीं तो आप पकड़ाए जाएंगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अगर आप भी कहीं भी इधर आए, प्लेटफार्म के अंदर कहीं जाना ना हो, अगर आपके पास रेलवे का टिकट ना हो तो आपको प्लेटफार्म टिकट लेना पड़ेगा, वो भी 30 रुपये का लगेगा। तो जुर्माना अगर नहीं भरना है आपको तो आप प्लेटफार्म टिकट आसानी से ले सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 1 आपका यही है, सबसे पहला प्लेटफार्म नंबर जो है 1 है। इसी के पीछे से ठीक इसी के पीछे प्लेटफार्म नंबर 2 चालू होता है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप प्लेटफार्म नंबर 3 से लेकर 9 तक इसके बीच में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको ओवरब्रिज पर चढ़ना पड़ेगा। अगर 1 से 2 पे आना हो तो इसका जो है प्लेटफार्म नंबर आपको बगल में सबसे पहले मिल जाएगा, नीचे ही मिल जाएगा। लाइन से यहाँ पे प्लेटफार्म नंबर दर्शाया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो कि उल्टा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको भी प्लेटफार्म नंबर 9 हुआ 7 हुआ 8 हुआ या 5 हुआ 3 हुआ अगर आना हो तो आप ओवरब्रिज पर चढ़ के वहाँ से सीरियल वाइज दिया रहता है, आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। Thank you.
पता नहीं है कि हमारा ट्रेन जो है किस प्लेटफार्म पे है, तो अगर पता नहीं है तो क्या करना है आपको, ये जो टीवी वाला दिखाया अभी तो लाइट चल गया है तो लाइट है नहीं, तो क्या करना है आप अपने ट्रेन का नाम देख सकते हैं, फिर उस पर जो है ट्रेन नंबर दिया जाएगा, ट्रेन नंबर देने के बाद यहाँ पे प्लेटफार्म दिया जाता है कि फला प्लेटफार्म पे है, तो आपको अगर पता ना हो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि किस प्लेटफार्म पे, उसी हिसाब से आप अपने प्लेटफार्म पे आसानी से पहुँच सकते हैं।